परसों गाजियाबाद में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुस समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफ़रत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 ईयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकया चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूँ। और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे, अनफॉर्चुनेटली।